पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल में सदर कोतवाली क्षेत्र का कोट पूर्वी इलाका इन दिनों एक अज्ञात संगी चाकूबाज के खौफ की दहशत से सहमा हुआ है। पिछले दो हफ्तों से अज्ञात चाकूबाज हमलावर पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। दरअसल यह अज्ञात संगी चाकूबाज ना तो लूट करता है ना कोई छीना झपटी, बस अचानक अकेली महिला और बच्चों पर चाकू से जानलेवा हमला कर घायल करने के बाद गायब हो जाता है। इस अज्ञात चाकूबाज के हमले से घायल एक 12 साल के नाबालिग लड़के का अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं एक महिला अस्पताल में मौत से जूझ रही है। दहशत का आलम यह है कि पुलिस की कई टीम इलाके में 24 घंटे गश्त कर अज्ञात हमलावर की तलाश में जुटी है, लेकिन संकी चाकूबाज पुलिस की पकड़ से बाहर है। दरअसल लोगों के लिए दहशत बना यह अज्ञात संकी चाकूबाज अकेली महिला और अकेले बच्चे पर चाकू से हमला करता है और हमले के बाद फरार हो जाता है। ये सनकी हमलावर ने 4 मई को संभल की सदर कोतवाली क्षेत्र के कोट पूर्वी इलाके के बैंक कारोबारी अंकित टंडन की पत्नी पर समय हमला किया जब वह घर में अकेली थी। सनकी हमलावर ने पहले घर का कॉल बेल बजाकर दरवाजा खुलवाया और घर में घुसकर बैंक कारोबारी अंकित टंडन की पत्नी के गले पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार हो गया। सनकी चाकूबाज के हमले से गंभीर रूप से घायल महिला को घटना के एक हफ्ते बाद भी जिंदगी और मौत से जूझना पड़ रहा है। इस घटना को अंजाम देने से पहले सनकी चाकूबाज ने गली से गुजरे एक 12 साल के लड़के पर चाकू से हमला कर दिया था। हैरानी वाली बात यह है कि यह सनकी हमलावर अक्सर शनिवार के दिन ही हमला करता है। सनकी हमलावर के खौफ का आलम यह है कि हमलावर को गिरफ्तार करने के लिए एसपी के निर्देशक पर पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम और सादा ड्रेस में महिला पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। इलाके में लगातार गश्त की जा रही है। लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। महिला और बच्चों के घरों में कैद होने से गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब देखना यह है कि हमलावर सनकी चाकूबाज पुलिस की गिरफ्त में कब आता है। ये जो पिछले शनिवार को यहाँ उसके संबंध में कमिश्नर साहब के इस आदेश अनुसार है ना बर्बरी आदेश दिया गया था हम लोगों के लिए भी, तो हम लोग भी इसमें कुछ मार्गदर्शी वगैरह करें पता लगा, तो उसी के तहत हम लोग आज इधर पूरे संबंध में खास तौर से इस एरिया में घूमकर लोगों से आसपास गली वालों के बारे में पूछताछ की, इतना पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कौन शख्स था, उसकी क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटी है, क्योंकि किसी को पता नहीं। सिविल में भी लगाया गया है आपकी जी? हमारे साथ जो महिला कांस्टेबल